कर्ता ने, पहला कारक है कर्ता, दूसरा कारक है कर्म, इसके लिए एक अक्षर है को, विभक्ति चिन्ह है को, तीसरा है करण से के द्वारा, संप्रदान के लिए को, अपादान है से अलग होना, अपादान में जो से है वो अलग होने का भाव दर्शाता है, अलग होने का अबोध कराता है, यहाँ पर भी से है और यहाँ भी से है, इन दोनों का जो वाक्य में अर्थ है वो अलग अलग होता है। अपादान के बाद है संबंध, संबंध में का के की रा रे री, अधिकरण में पर, संबोधन है अरे, देखो यहाँ फिर से पहला कारक कर्ता ने, कर्म को, करण से के द्वारा, संप्रदान के लिए को, अपादान से अलग होने का अर्थ है संबंध का के की रा रे री, अधिकरण है में पर, संबोधन है अरे। अब इनका इन कारक की हम परिभाषा देखते हैं और उनके उदाहरण देखते हैं तो अधिक स्पष्ट हो जाएगा। देखो यहाँ पर, यहाँ पहला कारक है कर्ता, कर्ता कारक है तो इसकी परिभाषा है शब्द के इस रूप से कार्य करने वाले का बोध हो वह कर्ता कारक कहलाता है, कार्य करने का बोध जिस शब्द से हो उसे कर्ता कारक कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए उदाहरण है, इसका उपसर्ग है ने से पहचाना जाता है कि यह कर्ता कारक है। और देखिए किसने और कौन, यहाँ पर तो प्रश्नवाचक शब्द है, इसको अगर आपने प्रयोग किया तो आपको झट से पता चलेगा कि यह कर्ता कारक इसमें से कौन सा है। देखिए नौकरानी ने कमरा साफ किया, नौकरानी ने कमरा साफ किया, यहाँ पर अगर किसने यह प्रश्न पूछा किसने कमरा साफ किया तो नौकरानी ने, यहाँ पर ने से आगे पता चलता है ने पर सर्ज से पता चलता है कि यह कर्ता कारक है। तो देखिए यह जो उपसर्ग है कारक और उसके उपसर्ग, यह तालिका आपको याद करनी पड़ेगी, उसे याद करने से आपको जट से वह कौन सा कारक है इसकी पहचान हो जाएगी। तो देखिए नौकरानी ने कमरा साफ किया, हमने प्रश्न पूछा कि किसने कमरा साफ किया तो उत्तर मिला कि नौकरानी ने। तो यहाँ पर नौकरानी ने यह शब्द क्या है कर्ता कारक है, इस वाक्य का कर्ता कौन है नौकरानी, नौकरानी ने यह शब्द कर्ता है। देखो यहाँ पर तो ने हमें कहीं दिखाई नहीं दे रहा है नहीं, रमेश सोता है हमें कहीं भी यहाँ ने दिखाई नहीं दे रहा है। तो यहाँ हम प्रश्न पूछ सकते हैं कि कौन सोता है, प्रश्न क्या पूछ रहे हैं हमें कौन सोता है, तो हमें उत्तर मिलेगा कि रमेश सोता है, जो उत्तर मिलेगा वही क्या होगा कर्ता कारक होगा। तो देखिए यह जो यह जो कर्ता कारक है वो पहचानने के लिए आपको किसने और कौन यह प्रश्न पूछने होंगे, अगर इसमें ने है तो आप पहचान सकते हैं कि ये क्या है कर्ता कारक है, इसकी पहचान इस तरह से की जाती है। तो यहाँ पर हमारा कर्ता कारक पूरा होता है। देखिए कारक का दूसरा भेद है कर्म कारक, यहाँ पर उसकी परिभाषा है वाक्य में शब्द के जिस रूप पर क्रिया का फल पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं, फल का मतलब है परिणाम, वाक्य में शब्द के जिस रूप पर क्रिया का परिणाम पड़े, क्रिया का परिणाम हो फल पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। देखिए इसका जो उपसर्ग है वो को है, को से पहचानेंगे कि इसमें कर्म कारक है। अब देखिए इसको अगर पहचानना है तो हम क्या किसको कहां ऐसे प्रश्न पूछकर कर्म कारक का पता लगा सकते हैं। तो देखिए पहला वाक्य है कार्तिक गिटार बजा रहा है, तो यहाँ पर हमने अगर क्या प्रश्न पूछा, देखिए कार्तिक क्या बजा रहा है तो हमें उत्तर मिलेगा कि गिटार बजा रहा है, गिटार को, यहाँ पर को नहीं है इसका मतलब है गिटार को बजा रहा है, क्या बजा रहा है, क्या बजा रहा है तो क्या
हवाई जहाज से मुंबई गए। पिताजी हवाई जहाज से मुंबई गए। पिताजी किससे मुंबई गए? तो हवाई जहाज से। जो उत्तर मिलेगा वही क्या होगा? करंट अलर्ट कहलाएगा। बच्चा बोतल से दूध पी रहा है। यहाँ पर देखिए किससे दूध पी रहा है? तो बोतल से। उत्तर लिखा है बोतल से। यहाँ पर से या के द्वारा ऐसे अगर परिसर्ग हो तो क्या होता है? करण कारक होता है। कारक का चौथा भेद है संप्रदा। संप्रदा कारक। देखिए इसकी परिभाषा है कर्ता जिसके लिए कार्य करता है उसे व्यक्त करने वाला शब्द संप्रदा कारक कहलाता है। तो देखिए यहाँ परिसर्ग है के लिए तो के लिए को यह संप्रदा कारक के परिसर्ग है विभक्ति चिन्ह है इसके द्वारा पहचानते हैं। देखिए अगर एक तो और पहचान काम अगर पहचानने के लिए यहाँ पर किसके लिए प्रश्नवाचक शब्द है किसको यह प्रश्नवाचक शब्द अगर हमने लगाए इससे प्रश्न पूछा तो वाक्य में जो उत्तर मिलेगा वही संप्रदान कारक हो सकता है। देखिए अमन ने भिखारी को रोटी दी। अमन ने किसको रोटी दी? तो उत्तर मिलता है भिखारी को। तो यहाँ पर भिखारी को यह शब्द जो है वह संप्रदान कारक का उदाहरण है। देखिए यहाँ पर सेठी द्वारा गरीबों को कंबल बांटे गए तो किसको बांटे गए? किसको कंबल बांटे गए? तो गरीबों को कंबल बांटे गए किसके लिए किसको? ऐसे अगर आपने प्रश्न पूछे वाक्य को तो जो उत्तर मिलेगा वह क्या होगा? संप्रदान कारक होगा। यहाँ पर गरीबों को यह संप्रदान कारक का उदाहरण है। देखो कारक का पांचवा भेद है अपादान कारक। तो यहाँ इसकी परिभाषा है संज्ञा अथवा सर्वनाम के किस रूप से अलग होने या तुलना करने आदि तौर का पता चलता है उसे अपादान कारक कहते हैं। और अपादान का परिसर्ग है से। से का अलग होने का भाव यहाँ पर दर्शाता है। जैसे से हमें पता चलता है कि यह अपादान कारक है। इसके इसको कहाँ से ऐसे प्रश्न पूछने पर कहाँ से ऐसे प्रश्न पूछने पर आपको जो उत्तर मिलेगा देखो यहाँ पर कहाँ से ऐसे प्रश्न पूछने पर आपको जो उत्तर मिलेगा वही क्या होगा? अपादान कारक कहलाएगा। देखिए यहाँ पर पहला उदाहरण है गंगा नदी हिमालय से निकलती है। किससे निकलती है? कहाँ से निकलती है? हिमालय से निकलती है। गंगा नदी कहाँ से निकलती है? तो हिमालय से निकलती है। यहाँ पर देखिए हिमालय से अलग होती है से अलग होने का जो बोध कराती है हिमालय से निकलती है। गंगा नदी हिमालय से अलग होकर निकलती है। तो यहाँ पर हिमालय से तो यहाँ पर हिमालय से यह शब्द क्या होगा? अपादान कारक होगा। यहाँ पर से परिसर्ग लगा है और से परिसर्ग का किसका होता है? अपादान कारक का होता है। पर यहाँ पर जो बोध हो रहा है वो हिमालय से गंगा नदी अलग होती है ऐसा बोध यहाँ पर है इसलिए यह अपादान कारक है। देखो कल लीला साइकिल से गिर गई। तो यहाँ पर देखो साइकिल से वो अलग हो गई साइकिल से गिर गई। यहाँ पर कहाँ से गिर गई? साइकिल से गिर गई। तो यहाँ पर जो उत्तर मिलता है वह क्या होता है? अपादान कारक होता है। देखो कारक का छठा भेद है संबंध कारक। तो इसकी परिभाषा है संज्ञा के किस रूप से दो संज्ञाओं अथवा सर्वनामों के परस्पर संबंध का पता चले वह संबंध कारक कहलाता है। इसके परिसर्ग है का के की रा रे री। इससे हमें पता चलता है कि यह संबंध कारक है। यह आपको पठन होना चाहिए या अच्छी तरह से अगर याद हो तो आपको आसानी से उस कारक के बारे में पता चलेगा कौन सा कारक है या पहचानेंगे। देखो इसको अगर आपने प्रश्न में पूछा किसका किसके किसकी वाक्य को देखना है कौन सा प्रश्न आपको पूछना है जो प्रश्न पूछने के बाद जो उत्तर आपको मिलेगा वह क्या होगा? संबंध कारक होगा। इसमें से अगर किसका किसके किसकी ऐसा अगर प्रश्न आपने पूछा तो आपको जो उत्तर मिलेगा वो होगा संबंध कारक। देखिए यह घर सोनाली का है
विसर्ग में दिखा है, यहाँ पर रे दिया है, यहाँ पर रे है, तो हमारे किसके प्रश्न भी पूछ सकते हैं आप, किसके विद्यालय में वार्षिक उत्सव है, तो हमारे यहाँ पर हमारे जो शब्द है वो क्या है, संबंध कारक का उदाहरण है। तो यहाँ पर सोनाली का और यहाँ पर हमारे, सोनाली का यह विसर्ग है और यहाँ पर हमारे रे यह विसर्ग लगा है, इसलिए यह संबंध कारक है। देखो कारक का सातवां भेद है अधिकरण, अधिकरण कारक। तो इसकी परिभाषा है, संज्ञा के इस रूप से क्रिया के आधार, समय और स्थान आदि का पता चलता है, उसे अधिकरण कारक कहते हैं। और इसकी पहचान में और पर यह दो परिसर्गों से विकल्प चिन्हों से हमें पता चलता है कि यह अधिकरण कारक है। बहुत ही आसान है, मैं और पर अगर ये वाक्य में हो तो यह क्या होता है, अधिकरण कारक होता है। देखिए यहाँ अगर हमने प्रश्न पूछा किसमें, किस पर, कहाँ, वाक्य देखकर आपको प्रश्न पूछना है। अगर प्रश्न आपने पूछा और उत्तर मिलता है तो उत्साह होता है, अधिकरण कारक होता है। किसमें, किस पर, कहाँ, ऐसे प्रश्न पूछने पर जो उत्तर आपको मिलता है वाक्य से वो क्या होता है, अधिकरण कारक होता है। तो देखो पहले वाक्य में बिल्ली चूहे पर झपटी, बिल्ली किस पर झपटी, प्रश्न में पूछा किस पर, किस पर झपटी, तो उत्तर मिलता है चूहे पर। उत्तर क्या मिलता है, चूहे पर, तो ये क्या हुआ, अधिकरण कारक हुआ। देखो दूसरे वाक्य में अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहे हैं, दूसरे वाक्य में है अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहे हैं, कहाँ पढ़ा रहे हैं, तो कक्षा में पढ़ा रहे हैं। इससे पहले हमें पता चला कि पर यहाँ पर उपसर्ग है, उपसर्ग है, दूसरा है मैं यहाँ पर उपसर्ग है, इससे ही हमें हम जानते हैं कि यह अधिकरण कारक है। यहाँ प्रश्न पूछने की भी जरूरत नहीं है, इससे ही हमें पता चलता है कि यह कौन से कारक है, अधिकरण कारक है। देखिए किसमें, किस पर, कहाँ, ऐसे प्रश्न पर जो आप प्रश्न पूछने पर आपको जो उत्तर मिलेगा वो क्या होगा, अधिकरण कारक कहलाएगा। देखो कारक आठवां भेद है संबोधन कारक। इसकी परिभाषा है, जिन संज्ञा शब्दों का प्रयोग